चलिए जी, तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है, पढ़ाई कैसे की जाए, जीरो लेवल से पढ़ाई कैसे की जाए, इन चीजों पे हम जरा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज होती है एक बहुत अच्छा आपका शेड्यूल। ठीक है, आपको पहले एक शेड्यूल बनाना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में कुछ चीजें बताता हूं मैं। आप सबसे पहले अपने नंबर ऑफ आवर्स फिक्स करिए, है ना। मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा कि यार 8 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो। कभी भी ध्यान रखना, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे नाप कर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, है ना। या ऐसा कोई नियम आज तक नहीं बना है कि 8 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और 2 घंटे वाले का तो खैर वास्तव में नहीं हो पाएगा, 4 घंटे या 5 घंटे वाले का नहीं हो सकता। ये एकदम गलत बात है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को कम पढ़ना है ना, पहले पूरा लॉजिक समझना। या आप सोच रहे हो कि मैं नौकरी कर रहा हूं या मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं या मैं पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलत है ना। ये सारी मिथ है, ये सारी कल्पनाएं हैं जो गलत हैं और जिसको लाखों लोगों ने गलत सिद्ध करा है। 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने वालों ने भी टॉप मारा है और 15 घंटे पढ़ने वालों को लाखों में भी नौकरियां नहीं मिली, लाखों में भी रैंक ना लगे, है ना। जॉब जो एकदम निहायती फुर्सदी है ना, जिनका जीवन में उद्देश्य ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है, जिनके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार वो लोग जॉब नहीं ले पाते हैं। और जो बेचारे 8-8, 10-10 घंटे की जॉब करते हैं, शादीशुदा हैं, जिम्मेदारियां हैं या और किसी कारण से उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद समय निकालते हैं और उसमें वो टॉप मारते हैं। ठीक है, तो आपको मैं निचोड़ क्या बता रहा हूं, आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप क्या किस स्थिति में फंसे हुए हो, आप अभी कहां हो, ये मैटर नहीं करता, है ना। मैटर ये करता है कि आप अभी जिस स्थिति में हैं उससे आप कैसे आउटपुट निकाल रहे हो, उससे आप कितना बेहतरीन कर रहे हो। तो आप कितने कंफर्ट में हो अभी, आपके पास कितना समय है, आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो, कितनी ताकत लगा सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, आपको इस चीज की कद्र नहीं है।